अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से कंप्यूटर में वॉइस रिकॉर्ड की जाती है। तो इसका इसके लिए सबसे जो बेहतरीन सॉफ्टवेयर है वो ऑडेसिटी के नाम से है। वो हम गूगल में जाके जब सर्च करेंगे, ऑडेसिटी लिखेंगे तो सबसे पहले ही ऑडेसिटी आएगा। इसको क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो इस पे आप डाउनलोड क्लिक करेंगे, डाउनलोड के बाद आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और एक और चीज जो कि टिप भी है कि आप अमूमन जो वॉइस रिकॉर्ड की जाती है वो कंडेंसर माइक्रोफोन से रिकॉर्ड की जाती है, एक अच्छे कंडेंसर माइक्रोफोन जो कहलाते हैं। लेकिन आप अगर पाकिस्तान में है तो आपको एक नॉर्मल जो कि घर में यूज के लिए जो माइक्रोफोन है 600 से 700 में तकरीबन मिल जाएगा। बाकी आगे अगर आपके पास पहले से माइक्रोफोन अच्छा वाला कंडेंसर माइक जो कहलाता है वो मौजूद है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इसलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये जो रेड गोल दायरा है, इस बटन है, इस पे क्लिक करेंगे, फिर हम वॉइस रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देंगे। बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। इस वॉइस को हम सबसे पहले सुनते हैं। बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। ये करने के बाद अब आप इस कंट्रोल ए करें, फिर उसके बाद इफेक्ट में जाइए और यहाँ नॉर्मलाइज पे क्लिक कर दें। कोई सेटिंग में चेंजेस की जरूरत नहीं है, अगर चेंजेस करनी है तो आप प्रीव्यू करके चेक कर सकते हैं, फिर ओके कर दें। ये नॉर्मलाइज करने के बाद अब आप को यहाँ से जो नॉइस रिमूव करने के लिए एक प्रोफाइल लेनी होगी, तो इसको हम क्योंकि ये सेंटर में जो आपको इस तरह की नजर आ रही हैं चीजें, ये नॉइस ही है। क्योंकि जो हम जब रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तो मुख्तलिफ चीजें देखेंगे, इस तरह की ये चीजें, तो हम यहाँ से इतने एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे, इतने एरिया को या इससे भी स्टार्ट में इधर स्टार्ट तक सिलेक्ट कर लें, क्योंकि आगे ये जितनी भी नॉइस के एरिया होंगे खुद ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा। इसलिए इसके लिए हमें उस प्लगइन में जाके उसकी प्रोफाइल लेनी होगी। इफेक्ट में जाइए और यहाँ से नॉइस रिडक्शन पे क्लिक करें और यहाँ पर गेट नॉइस प्रोफाइल पे क्लिक करें। अब इसने एक प्रोफाइल ले ली है और अब आप कंट्रोल ए कीजिए, उसके बाद इफेक्ट में जाइए, फिर दोबारा आप नॉइस रिडक्शन पे क्लिक करें और यहां से ओके कर दें। ये ओके करने के बाद आप दोबारा इसको प्ले करके देखें। बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। इतना करने के बाद तकरीबन इसमें कोई अभी नॉइस किसी किस्म की नॉइस महसूस नहीं हो रही, क्योंकि मेरे पास कंडेंसर माइक भी है, तो अगर आपके पास दूसरा माइक होगा तो उसके उसमें नॉइस जो है वो ज्यादा डिटेक्ट करता है। तो फिर दोबारा कंट्रोल ए करने के बाद आप इफेक्ट में जाइए और इसमें हम चाहते हैं, क्योंकि उमूमन पोएट्री रिकॉर्ड की जाती है तो उसमें इको इफेक्ट इफेक्ट जो रहते हैं वो दिए जाते हैं। तो यहाँ से इको पे क्लिक करें और यहाँ पर मैंने क्योंकि पहले चेक कर चुका हूँ इसलिए आप डिले टाइमिंग 1 पर और 0.3 पे करके देखें, जो कि मैंने अपनी सेटिंग के लिए रखा है। इसका प्रीव्यू देख लेते। बातें ये कभी ना तू भूल। इसको ओके करके हम मुकम्मल जितना भी हमने रिकॉर्ड किया वो देखते हैं। ओके करें, उसके बाद दोबारा प्ले करें। बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। तो ये बहुत ही जबरदस्त सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये याद रखिएगा कि इसके लिए कंडेंसर माइक्रोफोन आप जरूर खर्चा कर लें, खरीद लें, और इससे बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग होती है। इसके साथ हम कोई भी साउंड भी ऐड कर सकते हैं, और मेरे पास साउंड तो मेरे को याद नहीं, ये तो नहीं करना था, लेकिन हम करते हैं कोशिश कि हम
ऑडियो भी ऐड करें, लेकिन ये है कि बैकग्राउंड म्यूजिक जब होगा तो बहुत ही अच्छी अच्छा लगता है। तो हम मैंने कहाँ रखा था, डाउनलोड में साउंड इफेक्ट्स के नाम से शायद फोल्डर था, साउंड सॉरी फुटेज मैंने कहाँ रखा था, कहाँ रखा था, गालिबन म्यूजिक में हो सकता है। हाँ यहाँ पर ये हमने मुख्तलिफ किस्म के म्यूजिक हैं, कोई आप ऐसा कहिएगा पोएट्री का कोई भी म्यूजिक जो है आप उसमें ऐड कर लीजिएगा। अब मैं यहाँ पर ये सॉन्ग ऐड करूंगा तो कुछ अजीब से ही लगेगा, तो इसलिए आप ये करके वैसे एक करके देखते हैं। ये तो बच्चा बन गया उसके आगे। आप ऐसा कीजिएगा कि कोई भी बैकग्राउंड में जो आपको म्यूजिक अच्छा लगता है किसी सॉन्ग वगैरह का वो आप इसमें ऐड कर लीजिएगा, बहुत ही इजी वे है। इसी तरह आप इसमें इंपोर्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद उसको उसकी सेटिंग उसमें सब मौजूद है तो आप वो कर लेंगे।